नमस्कार। आज 1 अक्टूबर 2023 पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। आज के होने वाले गीता सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 3 से 8वें श्लोक तक का विस्तार में अध्ययन करेंगे। तो इसी में जब अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? तथा अब मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों के ना करने से निष्कर्मता को प्राप्त होते हैं और ना कर्मों को त्यागने मात्र से भागवत साक्षात रूप सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निःसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसीलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए सर्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। तो 3रे अध्याय के 8वें श्लोक तक का संक्षेप में इस प्रकार से वर्णन था। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मोहित को, जो इसी सत्र को आगे की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। तो संक्षिप्त में जैसे आ, 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 वर्णन किया गया तृतीय अध्याय का, तो इसी क्रम के अंदर हम तृतीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो किस प्रकार से भगवान ने अर्जुन के जो भी डाउट्स हैं उनको इसमें क्लियर किया है। ज्ञान योग और कर्म योग में क्या अंतर है उस विषय में। तो सबसे पहले हम शांति मंत्र के साथ में स्टार्ट करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सो नाउ जो पहला श्लोक है उसमें तृतीय अध्याय का पहला श्लोक है, उसमें अर्जुन पूछते हैं भगवान से, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर् जनार्दन तत्किं कर्मणि गोरे माम नियोजयसि केशव। तो अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते, तो मुझे आप युद्ध करने के लिए क्यों बोलते, क्यों ना मैं एक आत्मा के स्वभाव को समझ करके ही मैं संतुष्ट होकर के बैठ जाऊं, है ना। मतलब अगर मुझे आत्मानुभव हो जाता है तो मुझे कर्म करने की क्या आवश्यकता है, मुझे ये कर्म करने का मार्ग आप क्यों बता रहे। तो ऐसा अर्जुन के मन में एक संशय आया कि किसी व्यक्ति को अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उचित ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसे साक्षात्कार हो जाता है, आत्मानुभव हो जाता है, सब हो जाता है, उसके बाद में उसे उसी पथ पे चलना चाहिए, उसे कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो और इसके आगे अर्जुन बोलते हैं, यमिश्रेणे वाक्य न बुद्धिम मोहयसी व मे तदेकम वद निश्चिंत्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। इस श्लोक का अर्थ है, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। मतलब उसके लिए अब द्वंद्व हो गया है अर्जुन के लिए कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है या फिर कर्म मार्ग श्रेष्ठ है, उसे कर्म करना चाहिए या फिर ज्ञान के पथ पे चलना चाहिए। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए। तो यहाँ पे अर्जुन एक आंसर चाहते हैं कि या तो वो भगवान प्रिस्क्राइब करें कर्म मार्ग को, कर्म योग के मार्ग को, या फिर ज्ञान योग के मार्ग को, तो दोनों में से क्या करना चाहिए, ऐसा अर्जुन एक उत्तर मांगते हैं भगवान से। अब भगवान कहते हैं,
श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान बोलते हैं, भगवान कहते हैं, हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार के निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। मतलब दो प्रकार के आचरण करने वाले, दो प्रकार के पथ पे चलने वाले व्यक्ति होते हैं श्लोक में। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। जो सांख्य योगी होते हैं, जिन्हें जिन्हें ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ना होता है। हेलो। भगवान यहाँ पर अर्जुन को दो मार्गों का उपदेश करते हैं कि कैसे सांख्य योगियों के लिए ज्ञान ज्ञान योग का मार्ग और योगियों के लिए कर्म योग का मार्ग श्रेष्ठ है। माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन इंद्रिय शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी चिदानंदगण परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसका मतलब यही है कि जो किस प्रकार का स्वभाव होता है आत्मा का, अगर उसका अनुभव किसी व्यक्ति को हो जाए, ठीक है, तो अगर वो तो उसे हम बोलेंगे सांख्य योग का मार्ग। और यदि फल और आसक्ति को त्याग कर, मतलब जो फल के विषय में चिंता नहीं करता है और जिसकी उस पर्टिकुलर कर्म के आउटकम में उससे क्या उसे रिजल्ट मिलेगा उसमें अगर उसकी आसक्ति भी नहीं है, इस प्रकार से समत्व बुद्धि इक्वेनिमिटी के साथ में जो कर्म करता है उसे हम क्या बोलेंगे, निष्काम कर्म योग। और इसी के बहुत सारे नाम है जो हमने द्वितीय अध्याय में देखे थे। कौन से नाम है? समत्व योग है, बुद्धि योग है, कर्म योग है, तदर्थ कर्म है, मदर्थ कर्म है, मत कर्म, ये सब इसी के नाम है, ठीक है। इस प्रकार से दो मार्ग, अलग अलग मार्ग होते हैं और जिस व्यक्ति को जो मार्ग एक्सप्लोर करना होता है वो उस मार्ग पे चलता है। इसका अगला श्लोक है, न कर्मणा मनारंभा निष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। इस श्लोक का अर्थ है, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर एक जो किसी के मन में भ्रम पैदा हो सकता है इसको सुन करके, कि अगर किसी को आत्मा का आत्म अनुभव हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, ठीक है, तो समत्व भाव क्या है, मतलब निष्काम कर्मयोग क्या है। निष्काम कर्मयोग का मतलब ये तो नहीं कि कर्म को बिल्कुल त्याग देना है ना, तो यहाँ पे भगवान क्लियर करते हैं इसका मतलब ये, निष्काम कर्मयोग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल कर्म का ही त्याग कर दे, कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग कर दे वो तो निष्काम कर्मयोग की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो हमने अभी देखा था, इसका अर्थ क्या अर्थ है कि आउटकम की जो आसक्ति है उसको त्याग करके कर्म को कर्म के भाव से करना, ठीक है, ये निष्काम कर्म योग है। समत्व बुद्धि से करना ये कर्म योग है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म को बिल्कुल ही रोक दोगे या त्याग दोगे तो आपको निष्काम कर्म योग की प्राप्ति हो जाएगी, इसका अर्थ ये नहीं है, ठीक है। ना तो कर्म किए बिना और न ही कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई बोल दे कि मैं आज से सारे कर्मों का त्याग करता हूं, मैं कोई कर्म नहीं करूंगा तो मुझे निष्काम कर्म योग की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है, ठीक है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातो तिष्ठे कर्म कृत कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। इस श्लोक
कि कोई भी व्यक्ति, जो भी प्रकृति के अंदर स्थित वस्तुएं हैं, वो बिना कर्म किए नहीं रह सकती, उनके लिए संभव ही नहीं है। बिकॉज हमने द्वितीय अध्याय में भी देखा था कि प्रकृति त्रिगुणातीत, इसमें तीन प्रकार के गुण होते हैं, और हमारा शरीर जो है भौतिक शरीर, वो भी प्रकृति के अधीन ही होता है। तो शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर भी तीनों गुण है, सत्व रजस तमस, और जिस भी जो भी चीज, जो भी फिजिकल चीज है, उसके अंदर ये तीनों गुण होते हैं। और जिस जो भी चीज इन तीनों गुणों से बाउंड होती है, बंधी हुई होती है, वो बिना चेंज के नहीं रह सकती है, उसमें चेंज होता ही है, ठीक है, वो चेंजलेस नहीं रह सकती है। तो हमारा शरीर भी प्रकृति के अधीन है, तो इसके इसको सारे प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे बैठ भी जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे, ठीक है। अगर आप, कोई कर्म है आपका जो आपको करना है और आप वो नहीं करते हो, तो बहुत सारे विचार उत्पन्न होंगे, ठीक है, ओवर थिंकिंग हो जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम एंजाइटी बोलते हैं। सो एंजाइटी कब पैदा होती है, जब हम, हमारी जो फ्लो स्टेट है, जो हार्मनी है नेचर के साथ में, उसके साथ नहीं होते हैं, तो वो एंजाइटी क्रिएट होती है, ठीक है। सो सबसे अच्छा, एफिशिएंट अगर बॉडी को काम करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रकृति के साथ में कर्मरत रहना होगा, ताकि क्या है कि वो अपनी मैक्सिमम जो पोटेंशियल है उसको यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य तो कॉन्शियस एक्शंस कर सकता है ना, पर इवन नेचर में भी हम देखते हैं तो क्या होता है, सारे जो वाइल्ड लाइफ है, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, वो क्या करते हैं, जो नेचर की साइकिल्स होती है उसके साथ चलते, मतलब उनका रिदम फिक्स होता है। सो अगर हम भी उल्टे काम करने लगते हैं, प्रकृति के विरुद्ध चलने लगते हैं, रात को हम जग रहे हैं और दिन में हम सो रहे हैं, ठीक है, सारे उल्टे काम अगर करने लग जाए हम, खाने का समय हमारा कोई निश्चित नहीं है, उठने का, सोने का समय निश्चित नहीं है, तो फिर इस प्रकार के कर्मों से हम प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे, और फिर वो हमारे लिए हितकर सिद्ध नहीं होगा। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति कर्मों को बिल्कुल रोक देता है, अगर कर्मों को रोक करके भी वो सेल्यूलर लेवल पे तो बिजी रहता है वो, ठीक है, तो अगर हमारे ब्रेन सेल्स है, वो भी क्या है, सेल्स ही है, वो न्यूरॉन्स है, ठीक है, तो वो बिना एक्टिविटी के नहीं रह सकते हैं। वो अगर आप बाहर से, आप लग रहा है कि आप रुके हुए हो, पर अंदर आपके बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाएं चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका हृदय लगातार पंप कर रहा है ब्लड को, अगर वो रुक जाएगा तो आप नहीं जी सकते। तो इस प्रकार से कोई भी भौतिक वस्तु जो होती है, वो चेंजलेस नहीं रह सकती, उसको कुछ ना कुछ कर्म करना होता है, ठीक है। और सबसे बढ़िया कब होता है, जब हम हमारे कर्मों को प्रकृति के साथ में सामंजस्य बैठा करके करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कर्म होता है, ठीक है। तो इस श्लोक का यह अर्थ है कि कोई भी जो चीज है, कोई भी वस्तु है, कोई भी भौतिक चीज है, जो समय और काल के प्रभाव के अंदर है, समय और काल से बंधी हुई है, वो बिना चेंज के नहीं रह सकती। क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों पर परवश हुआ कर्म करने के लिए ही बाध्य किया जाता है। तो इवन इवन यदि हम सोते हैं, है ना, स्वप्नावस्था में है, तो तब भी स्वप्नावस्था में भी क्या कर रहा है, माइंड लगातार थॉट्स जनरेट कर रहा है, वहां पे भी कर्म हो रहा है। कर्म का एक सबल मीनिंग है थॉट, अगर आपके माइंड में थॉट आ रहा है तो वो कर्म है, ठीक है, और बिना कर्म के आप, बिना थॉट्स के आप सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। सो इसका यही मतलब है कि बिना कर्म किए हुए आदमी, तो कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का व्यक्ति नहीं रह सकता है, उसे कर्म करना ही होता है, क्योंकि उसका जो शरीर है, मनुष्य शरीर, वो प्रकृति के अधीन है। अगला श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन, इंद्रियार्था विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हट पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इसको अगर गलत समझना है, अगर भगवान के मैसेज को, तो कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, वो बिल्कुल फिजिकल एक्शन रोक देगा, और माइंड से वो क्या करेगा, माइंड के अंदर, बाहर से तो वो लग रहा है भाई कर्म योगी है, वो बिल्कुल सही चल रहा है उसके, मतलब वो एक योगा की स्टेट के अंदर है, पर अंदर क्या कर रहा है वो, अंदर उसके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स, सेंशुअल प्लेजर्स को लेकर के बहुत सारे, वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है उसकी, है ना, जिसको बोलते हैं शेख चिल्ली बना हुआ है बिल्कुल ही। तो अगर ऐसा कोई आचरण व्यक्ति करता है तो वो दम्भी है, उसको यहाँ पे भगवान ने सीधा सीधा क्या बोला है, हिपोक्रिट बोला है, बिकॉज वो बाहर तो ये शो कर रहा है लोगों को
इवन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं खुद को सनातन धर्मावलंबी है, पर एक्चुअल में होते नहीं है। वो बाहर से ऐसा वेश धारण कर लेते हैं, पर अंदर से वो लोग मिथ्याचरण करते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान ने हिपोक्रिट बोला है, और वो लोग सत्य से बहुत दूर है, वो सत्य के बिल्कुल भी निकट नहीं है। तो इन सब सब प्रकार के मूढ़ बुद्धि मनुष्यों का हित इस प्रकार की क्रियाओं में नहीं है, तो इनको दंभी और मिथ्याचारी कहा है भगवान। तो बाहर से मतलब इसका मतलब ये नहीं है, निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं कि आपको आपको फिजिकली कहीं रुकना है, आपको हिलना नहीं एक जगह से, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने बात करी थी हाँ, कि कोई भी व्यक्ति है जैसे, ठीक है, अब वो कर्मों का त्याग कर रहा है बिल्कुल ही, और वो समझ रहा है कि मैंने निष्काम कर्म को अचीव कर लिया है, और मतलब मैंने जो भी अचीव करना था सब सब कुछ अचीव कर लिया है मैंने, इससे आगे अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं आध्यात्म के पद पे। तो एक बहुत बढ़िया इसके इस संदर्भ के कोट है रामदास का, कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको आत्मानुभव हो गया है, आत्म साक्षात्कार हो गया है, तो उसे एक सप्ताह उसके परिवार के साथ में जरूर बिताना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि तप करने के लिए एकांत अच्छा है, पर अगर आपको वास्तव में अगर आपको निष्काम कर्म योग को आपको देखना है कि आप आपके अंदर आया ही नहीं आया, तो आपको संसार की विभिन्न परिस्थितियों से सामना करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर, विषम परिस्थितियां, सुख दुख की परिस्थितियों के अंदर रहकर भी आप निष्काम कर्म कर पा रहे हैं, ठीक है, और अब संसार के अंदर विभिन्न संबंधों के मध्य रहकर के भी आप निष्काम कर्म कर पा रहे हैं, तो उस परीक्षा में आप पास हैं। बाकी अगर आप कहीं अकेले जाकर के अगर ये सब करते हैं और आप समझते हैं कि मैंने परीक्षा पास कर ली, वो एक्चुअल में हास्यास्पद है, तो खुद को मूर्ख बनाने वाली बात है। तो इस प्रकार से इन श्लोक का यह अर्थ है, मतलब यहां पर बेसिकली यही बोला गया है कि हमको जैसा कि अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति रेस्टलेस है, एक्चुअली बाहर से यूं दिख रहा है कि वो कर्म कर रहा है, तो ज्ञानी व्यक्ति जो बाहर से दिख रहा है कर्म कर रहा है, पर अंदर से वो क्या है, रुका हुआ है बिल्कुल ही, बिल्कुल स्थिर है, मतलब उसकी अल्टीमेट जो स्टेबिलिटी है वो अंदर उसने अचीव कर ली है। बाहर से जो मैक्सिमम एक्शन दिख रहा है आपको ज्ञानी व्यक्तियों के संदर्भ में, और ज्ञानी व्यक्ति उसके लिए उल्टा होता है, जब वो आपको रुका हुआ दिख रहा है बिल्कुल ही, तब वो अंदर से मैक्सिमम एक्शन के अंदर है, तो उसके लिए ये ड्यूअलिटी खत्म हो जाती है ना। तो इस श्लोक का ये अर्थ है, वो क्या करता है, वो कर्म करता है निरंतर अपने सारे, और फिर भी वो जो टाइमलेस है उसके अंदर, टाइमलेस क्या है आत्मा, उसमें वो स्थिर रहता है। अगला श्लोक, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार भरते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्म योगमक्षक्त स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इसका अर्थ यह कि भगवान ने तो बता दिया क्या नहीं करना है, कैसे खुद को मूर्ख नहीं बनाना है आपको, और क्या करना चाहिए वो इस श्लोक के अंदर है। क्या करना चाहिए, इंद्रिय निग्रह की हमने बात करी थी द्वितीय अध्याय के अंदर, तो जिस प्रकार मनुष्य अगर कोई अपनी इंद्रियों का निग्रह करके पूर्ण रूप से सेंस कंट्रोल करके, सारे सेंसेस पे कंट्रोल करके अनासक्त हुआ, उस कर्म से चिपकता नहीं है, उस कर्म को यज्ञ की भांति करता है, उस कर्म को कर्म करने के लिए करता है ना, उसके आउटकम के लिए नहीं करता है, ठीक है, आउटकम तो उसको चाहिए इसलिए कर रहा है, पर उससे वो अटैच नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अनासक्त हुआ कोई व्यक्ति अगर कर्म करता है, तो वही वास्तव में वही कर्मयोग है, वही कर्मयोग का आचरण है, और वही श्रेष्ठ है। और अगला श्लोक, आठवां श्लोक, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो य कर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्येद कर्मणः। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे प्रथम चीज भगवान ने बोली है कि तू शास्त्र विहित कर्म कर, है ना, कर्म बहुत टाइप के होते हैं, और आपका आप खुद का भी, अगर भगवान की बात को आप नहीं मानते हो, अगर आप बहुत रूढ़ हो, है ना, किसी भी बात को नहीं मानते हो आप, तो अगर आपने खुद का धर्म बनाया हुआ है अलग से, है ना, जो आपके लिए आपको लगता है आपके लिए काम करता है, पर वास्तव में वो काम नहीं करता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि हर चीज के बहुत ही लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, है ना, दूरगामी परिणाम होते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए, बिकॉज हमको अब लॉन्ग टर्म में सोचना है उस कर्म के कितने ज्यादा, बिकॉज शास्त्र विहित कर्म नहीं करते हैं तो भी क्षणिक लाभ तो हो जाता है व्यक्ति को, पर उसके दूरगामी परिणाम बहुत ही विध्वंसकारी होते हैं। सो
इस संदर्भ में मेरे को शंकराचार्य जी का एक कथन याद आता है। वो कहते हैं कि धर्म के मार्ग पे चलने पर प्रारंभ में विष के समान कष्ट होता है, परंतु अंत में मंगल ही मंगल है। तो शास्त्रविद कर्म करने पर, परंतु तो प्रारंभ में तो आपको कष्ट होगा थोड़ा, है ना, थोड़ी मुश्किलों से आपको जूझना पड़ेगा। जैसा कि हम एक उपनिषद में भी पढ़ रहे थे कि कभी भी कोई व्यक्ति कोई तपस्या करता है, साधना करता है, तो प्रारंभ में उसका शरीर क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। उसको तरह तरह के अन्य विचार आते हैं, बहुत सारी उसको डिफिकल्टीज आती हैं, परंतु अंत में वो इस सारी डिफिकल्टीज को पार करके जो अचीव करता है लास्ट में, वो उसके लिए बहुत मीनिंगफुल होता है, उसके लिए बहुत लाभकारी होता है। तो यहाँ पे इसका यही मतलब है कि शास्त्रविद कर्म करना क्यों जरूरी है ना। आप वही बात है, आप चोरी के पैसों से रबड़ी खाओगे, मिठाई खाओगे तो भी आपको मीठी लगेगी, और आप मेहनत के पैसों से मिठाई खाओगे तो भी आपको मीठी लगेगी। वापस आपको रिजल्ट तो सेम ही मिल रहा है, तो फिर क्या मतलब है चोरी करके ही खा लो। नहीं, पर वहां पे जो आपने जो रजिस्टर कर लिया है आपके अंतःकरण के अंदर, वो कर्म वो आपको दूरगामी परिणाम देगा, और दूरगामी परिणाम बहुत ही विध्वंसकारी होंगे। तो इसका मतलब ये है, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में श्रद्धा रख के कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर हम बैठे हुए हैं, ठीक है, फिजिकल यूनिवर्स किससे इन्फ्लुएंस होता है, कर्म करने से, है ना। अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, नथिंग चेंजेस इफ यू चेंज नथिंग, वो कोट है, तो उसी कोट के आधार पे हमको जीना चाहिए। बिकॉज हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा, इसका मतलब यही है ना। कि फिजिकल यूनिवर्स में भी अगर आप नास्तिक हैं बिल्कुल ही, तो ये चीज तो सबके लिए सत्य है कि आप कुछ कर्म करेंगे तो कुछ चेंज होगा, बाकी नहीं होगा। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, और जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना सभी प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार भगवान ने इन 8 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन के कुछ डाउट्स जो हैं, कंफ्यूजन्स जो हैं, वो दूर करने के प्रयास किया है। और अगला जो सेशन होगा उसके अंदर हम 90 श्लोक से अध्ययन करेंगे, यज्ञ अर्थात कर्मणों से। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित का। और अब मैं राम सुखदास जी महाराज के शब्दों में इन्हीं 8 श्लोकों का सुनूंगी। तो इसी कड़ी में शुरू करने से पहले, जैसे कि पिछले सत्र में भी जागर की थी कि यह नियम हमेशा रहा है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता, और यही कारण है कि अपना आग्रह रखने से अर्जुन भी उपयुक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। इसीलिए अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से जाने पड़ते हैं, और इसीलिए भगवान अपने ही शब्दों में अर्जुन को आगे के श्लोकों में समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो आगे के जो 3 श्लोक हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें अर्जुन के पदों का उत्तर देते हुए ईश्वर बोलते हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग, यह श्लोक संख्या 3 में भगवान बोलते हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण लौकिक हैं। कर्मयोग में क्षर की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर की प्रधानता है। क्षर और अक्षर भी लोक में ही हैं। अतः कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। जीव और जगत को मुख्यता देने से ही ये दोनों निष्ठाएं हुई हैं। अगर जीव और जगत को मुख्यता ना देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दें तो निष्ठाएं नहीं होंगी, प्रत्युक्त केवल अलौकिक भगवान निष्ठा होगी, यानी कि भक्ति। लौकिक निष्ठा यानी कि कर्म योग और ज्ञान योग में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है। वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है, परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता, तब तक सब लौकिक ही होता है। किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे और किसी का बुरा ना करें, तो कर्म योग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही ज्ञान योग आरंभ हो जाता है।
इसी में चौथे श्लोक में भगवान बोलते हैं, जो अपना है अपने में है और अभी है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी, यह भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी जो विद्यमान नहीं है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है जो उसको क्रिया रहित नहीं होता। क्रिया का वेग शांत करने के लिए यह आवश्यक है कि जो नहीं करना चाहिए उसको ना करें और जो करना चाहिए उसको निर्माम तथा निष्काम होकर करें, अर्थात अपने लिए कुछ ना करें, प्रत्युत केवल दूसरों के हित के लिए ही करें। अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य है। अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब देश काल आदि में विद्यमान परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा, उनका अनुभव हो जाएगा। तो इसमें प्रभु बोलते हैं, क्रिया मात्र केवल प्रकृति में ही होती है, परंतु प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्वीकार करने से मनुष्य प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है तथा उसका क्रिया के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि तथा सर्ग महास्वर्ग, प्रलय महाप्रलय आदि किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। तो पांचवें श्लोक में ईश्वर कहते हैं कि सुषुप्ति, मूर्छा तथा समाधि अवस्था में क्रिया कैसे होती है। मनुष्य सोता हो और कहीं अपने बीच में ही जगा दे तो वह कहता है कि मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति के समय भी नींद के पकने की क्रिया हो रही है। ऐसे ही मूर्छा और समाधि के समय भी क्रिया होती है। पतंजलि योग दर्शन में इस क्रिया को परिणाम नाम से कहा है। परिणाम का अर्थ है परिवर्तन की धारा, अर्थात बदलने की प्रवाह। तात्पर्य है कि समाधि के आरंभ से लेकर व्युत्थान होने तक क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया ना हो तो व्युत्थान हो ही नहीं सकता। समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में व्युत्थान होता है। पीछे के श्लोकों में यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इस पर यह शंका हो जाती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठ पूर्वक रोक कर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। इसका समाधान करने के लिए आगे की श्लोक नंबर 6 में ईश्वर कहते हैं, मूढ़ बुद्धि वाला सत असत की विवेक से रहित जो मनुष्य है, वो बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठ पूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है। इसलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषय को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह वस्तुतः कर्म रहित नहीं हुआ है। कारण कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अहंता, ममता और कामना के कारण राग पूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। सांसारिक भोगों को बाहर से भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतकरण में भोगों के जैसे संसार पड़ता है, वैसे ही संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए
केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग ना करके उन्हें कामना आसक्ति से रहित होकर तत्पर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। चौथे श्लोक में भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया। फिर पांचवें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। छठे श्लोक में हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेने वाले का आचरण मिथ्या बताया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उसका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं। वो बोलते हैं, अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरों के सुख से सुख और दुख से दुखी हो जाए, ये तीनों बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है। कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है। कर्मयोग में एक विभाग कर्म यानी कि कर्तव्य का है और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना, यह कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है, यह योग है। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। गीता अपनी शैली के अनुसार पहले प्रस्तुत विषय का विवेचन करती है, फिर करने से लाभ और ना करने से हानि बताती है। इसके बाद उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। यहाँ भी भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को असंभव बताते हैं, फिर कर्मों का स्वरूप से त्याग करने करके मन से विषय चिंतन करने को मिथ्याचार बताते हैं और निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया है कि अगर कर्म ही ना करें तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए भगवान नाना प्रकार की युक्तियां द्वारा उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में से एक इस युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। अन्य की बात ही क्या है, कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह, खाना पीना आदि भी असंभव हो जाएगा। जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठाक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए। कर्म योगी शरीर को संसार ही मानकर उसको संसार की ही सेवा में लगा देता है, अर्थात शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता। वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण संसार से करता है, जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। इस प्रकार कर्म योगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता करता है। तो इसी में इन्हीं 8 श्लोकों से अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और इस सत्र को आगे बढ़ाने करती आमंत्रण करती हूँ। धन्यवाद। और